नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जेबनान के जवान को गोली मारकर अपराधियों ने किया हत्या, जहां गुस्साए ग्रामीण व परिजनों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना गुरुवार देर रात को घटी, जहां एक जेबनान के जवान राकेश कुमार ओझा उर्फ गुड्डू ओझा पिता वासुदेव ओझा को देर रात अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं घटना के बाद परिजनों ने आनंद फानंद में उनको अस्पताल लाया, जहां काफ़ी देर हो चुकी थी, जहां अस्पतालों के डॉक्टरों ने गुड्डू ओझा को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने गुस्से में आकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। जहां मिली जानकारी अनुसार आपको बता दें कि जेप 9 के जवान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज मोहल्ले का रहने वाला था, जहाँ ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर जा रहा था। इसी दौरान पूर्वी फाटक के समीप रंगोली रेस्टोरेंट के पास पहले से घास लगाए बैठे अपराधियों ने उनको गोली मार दी, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित करने के बाद परिजन काफ़ी आक्रोश में अस्पतालों में तोड़फोड़ करने के बाद मुख्य सड़क को जाम किया। वहीं मौके पर उपस्थित पुलिस ने आला अधिकारी जिला उपायुक्त राम निवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया, जहां चारों तरफ घेराबंदी करते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाने की बात कही। जहां मृतक के पिता वासुदेव ओझा ने कहा अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बोरियो से हमारे सहयोगी असद अजमल की रिपोर्ट। एकदम इनकाउंटर कर दीजिए, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, नहीं तो घर को बुलडोजर चलवा दीजिए। जे जे आरोपी है उन लोग का घर को बुलडोजर चलवा दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए, नहीं तो फांसी पर चढ़वा दीजिए। सर भाई कहाँ से आ रहे थे? हमारा भैया आ रहे थे जेप 9 से ड्यूटी करके। और क्या हुआ सर? हुआ यही था ना सर कि भैया आ रहे थे इग्नेशियस होटल के पास टर्निंग पे, लाल बाबू को 2000 रुपया दिए थे, 2000 रुपया लाल बाबू बहुत नशा में था, भैया को धसोड़ दिया, अपना भाई को बुला दिया, असला हथियार के साथ वो लोग आया, बात नहीं किया, सीधा फायरिंग कर दिया। हमारा पर 2 को फायरिंग हुआ था। ये अपने ड्यूटी से लौट रहा था। अच्छा सर, मेरा आदमी मिल गया लोग वहाँ, क्या बोलते हैं, रंगोली रेस्टोरेंट। जी जी। हम वहीं पर क्या उससे तकरार हुआ, अब अपने भाई के बुलाया, क्या नाम है वो, लाल बाबू यादव अपने भाई को बुलाया, जो 2-3 दिन पहले ही जेल से छूट गया है, और आते ही बोली एकदम सटाक मारा है। कितना गोली लगा है? माथा में तो उसका एक ही गोली लगा, एक ही गोली काफ़ी था, यहाँ से लगा है, यहाँ पूरा एकदम बाहर निकल गया। पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर है आपका? पुलिस प्रशासन से तो सर यही मांग है कि सबसे पहले तो उसका गिरफ्तारी हो, घर द्वार साले के बुलडोजर से सब एकदम राफ साफ कर दे, और तीसरा कि उसको शहीद का दर्जा दे, क्योंकि ऑन ड्यूटी लौट रहा था, खाने के लिए आ रहा था। अच्छा, एक पोती है, पत्नी है, उसको कहीं एडजस्टमेंट लो कर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे 24 इंडिया टीवी पर।